सुधा कर कौन धुने मुर्बलमुआ हो कब ले कर पियरका चाचा जानते हो बाप पियरका चाचा ना पियरका मेढा चाचा ना पियरका मेढा वो यचन सिंह पटेल हमारे बेटा ठीक है रेडी करो पानी बिना दूसरा हालत सुखा जा साल आपको हसालू है ठीक। नमस्ते, मैं अभिषेक और घोसी की जंग जारी है और आज अखिलेश यादव ने इस जंग में तूफान ला दिया है और अखिलेश यादव के तमाम सिपाही मेरे साथ हैं, उसी में विजय लाल यादव शामिल है, नाम के लिए मोहताज नहीं है। यादव जी, क्या माहौल बा चुनाव में? बहुत बढ़िया माहौल बा, जनता घोसी की एकदम मन बना ली है, बहुत भारी अंतर से चुनाव हम चुने जा रहे हैं और एक बहुत बड़ा मैसेज पूरे हिंदुस्तान को, भारतीय जनता पार्टी को नहीं, पूरे हिंदुस्तान को एक बहुत बड़ा मैसेज घोसी का उपचुनाव देने जा रहा है। ये घोसी उपचुनाव कहाँ है, इतना अहम हो गया है? अहम इसलिए हो गया, यहाँ चुनाव का कोई मतलब नहीं है, पैसा किसका नुकसान हो रहा है, यहाँ विधायक चुना हुआ जनता ने जिसको विधायक साइकिल पर बटन दबा करके चुना हुआ था वो अब पाला बदल करके फिर कमल के फूल से उसी जनता से वोट मांगेगा तो जनता में क्या प्रक्रिया रहेगी? आप फिर से आक्रोश से हरा देना चाहते हैं, ऐसे जो बल बदलू और ऐसे मौसम को समझने वाले नेता हैं कि आज उनकी सरकार बन रही है क्या, चलो भाग चलते हैं उसमें, अच्छा कल उनकी बन रही है क्या, चलो भाग चलते हैं उसमें, ऐसे लोगों को ये जनता पब्लिक पागल नहीं है, पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, सब समझदार हैं और हमारा युवा तो एकदम आक्रोशित है। दल बदल का इनका अनुभव पुराना था, पिछली बार आप लोगों ने बड़े प्रेम से स्वीकार किया था, भूल गए थे क्या आप लोग दल बदल में? वही बताइए, हम कह रहे थे हम देखिए जो हमारे पास आएगा, जो हमारे पास और भी बहुत चौहान है, नारा सिंह चौहान को सोना मनाए हुए थोड़ी चौहान हो रहा है, बहुत चौहान है हमारे, चौहान नेता है महेंद्र चौहान है, तमाम चौहान नेता हमारे हैं, लेकिन आए और आकर के रिक्वेस्ट किए मैं समाजवादी हमले को बंद कर, हमको हम लोग विश्वास करने वाले लोग हैं, विश्वास किए हमने और हम लोगों ने सिंबल दिया, लड़ाया जिताया भी और बीच में जब मंत्री पद का लालच दे दिया भी को छोड़ करके ये पकी पकाई बना बनाया हुआ सब कुछ छोड़ छाड़ कर और भगत है, ये नुकसान पहले मैं आपसे पूछ रहा हूँ और जनता से पूछ रहा हूँ नुकसान किसका है? ये जो पैसे का लोड पड़ रहा है ये लोड किस पर पड़ रहा है? महंगाई कैसे बढ़ रही है, कहाँ से पैसा ये जनता पर ही पड़ रहा है, भागना ही था तो भग गया तो चौबीस उल्टे लोग कह रहे हैं कि घर वापसी हुई है, घर का भोला शाम को आ जाकर स्वीकार दो, जिसका कोई घर है नहीं उसका घर वापसी, यहाँ तवायतों का कोई घर होता क्या, तवायतों का कोई घर होता है, आज उसको ठीक करा, उसको ठीक करा, उसको ठीक करा, उसको ठीक करा, आकर के आप शाम को आ जाएगी अपने यहाँ खाना बनाती हूँ वहाँ तो उसको उसका घर थोड़ी है, वो तो उसके चार दिन चल रहा है, बिजनेस उसका घर वही है जहाँ बुक हो गई उसी तरह ही। आप भी घर में देखो सांसद होने रहुआ है, मंचवा से कहते हो कि तारा जीते मंचवा से कहते हो तारा जीते हैं तो वो का पिए हम कहते हैं कि सच हुई हम का ना पिए हैं कहते हैं गलत हुई तारा हरी है और बोला वो कहते हैं कि राष्ट्रवाद के बात होता जनता नहीं रहुआ के संगे यदि रहुआ का काम पता चला ऐसा ना सन कितना रहुआ पैदा कर देगा सिखाई है राष्ट्रवाद सीखा तीर लग गई निशाने पर लेकिन कन्ना पर ढोंगा आशीर्वाद जनता जनार्दन दे दिलस जीती गोभर गोभर बोलन खतरा के संकेत गोभर ना बोल दे लास्ट में विजय लाल यादव थोड़ा एक संगीत के माध्यम से बता संगीत का वाला छोटा छोटा संगीत घोसी कदा ना सुधा कर कौन धुने मुर्बलमुआ हो कब ले कर पियरका चाचा जानते हो बाप पियरका चाचा ना पियरका मेढा चाचा ना पियरका मेढा वो यचन सिंह पटेल हमारे विधायक हैं
बीमारी का नाम भी बताएं, उसका इलाज भी बताएं। आप सुने होंगे, खबर किया कि नहीं? एच एन सिंह पटेल, उसकी बीमारी का नाम भी बताएं, उसको कौन बीमारी है, उसका इलाज भी बताएं। ये बीमारी है, कुछ भी यही थोड़ी है, हर क्षेत्र में, राजनीति में भी है, बिजनेस में भी है, गंगा में भी हुआ, बिरहुआ में है, वहाँ मतलब जो बहुत हाई पीक पर है, खोदता है तरह का आदमी, वो एक खोद में तोहर ना हो लेकिन तो कब साफ ही भी तैयारी कर ले मैं गांव का मार घूमा था तो चौकी वाला तो भीख मांगना होता है चौकी वाला कहा तो वहाँ भेजूंगा जहाँ भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है अपने खुद भीख जाके मांगा था क्या ऐसी लोगों की बात करते हैं दूसरी बात करिए ना अंत में आते हैं चुनाव में क्या मुद्दा बड़ा मुद्दा सुद्धा नहीं इतना ही मुद्दा है कि जो नमक हलाल लोग हैं नमक हराम लोग हैं ये दोनों को जनता पहचानती है सीधा सीधा दारा सिंह चौहान को बहुत अंतर से स्वागत से आराम जा रहे हैं घोषी की जनता जिताया और चुनाव जिता देंगे आप लोग विजय लाल यादव चाहे जहां बुलाएंगे वहां आकर के आपका प्रोग्राम करेंगे लोकसभा का संकेत जाएगा लोकसभा हम जीतेंगे कम से कम 50 सीट इस बार समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है और संभवतः माननी जी का आशीर्वाद मिला है गाजीपुर लोकसभा से मैं भी लड़ने जा रहा हूँ बिल्कुल फूल देंगे माननी जी का मेरा आशीर्वाद मिल गया है और उनका आदेश हो जाएगा और बहुत सारी घोषणा हो जाएगी समाजवादी पार्टी की झंडा को लेकर और सभा में खुदूंगा और समर में खुदूंगा और मैं भी चुनाव लड़ता हूँ समाजवादी पार्टी से लोकसभा 75 से और जीत करके यह सीट छोड़ चर्चा चल रही है कि उपराज्यपाल भी आने वाले चुनाव में राष्ट्रपति आ जाए उससे कोनो फर्क न पड़े अखिलेश यादव के चेहरे में दो तस्वीर दिखाई देती है एक अखिलेश यादव एक धरती पुत्र नेताजी खड़ा होते ही पहले खड़ा होते हैं माइक संभाल के उनको लगता है कि नेताजी आ गए और बोलने लगते हैं तो अपने वजस्वी भाषण से लगता है कि अखिलेश और नेताजी लेकिन मनोज सिन्हा को लोग कहते हैं गाजीपुर के विकास पुरुष हैं गाजीपुर में उन्होंने इतना काम कर दिया इसीलिए जनता दोबारा साथ देगी इसी जनता आराधना से चल रही है विकास पुरुष हो ऐसे आराधना लेकिन जब आप गूगल खोल बहुत विकास पुरुष रहा हरा दल कैसे कैसे बुला के पीछे दरवाजे से राज्यपाल ये तो विकास पुरुष होके कहल जला कि जहाँ गोर ध दलस विकास कुछ कैला लेकिन उसे ढेर तो कमी है तब ना जनता को हरा खड़ा के लिए जनता क्यों आपको हरा जदुवंशी जी बताइए अरे चलाओ हटा भाई पूछो यदुवंशी जी बताइए आप तो हमारी माहौल देखते हैं मऊ का माहौल क्या है मऊ का माहौल खुशी का माहौल समाजवादी पार्टी के पक्ष में और बहुत ज्यादा अंतर से समाजवादी पार्टी सुधाकर सिंह जीते तो चलते हैं धन्यवाद विजय लाल यादव गाजीपुर अब देखते हैं क्या जाओ।